एसएससी एक बहुत अच्छा मौका है आप सभी के लिए, और अभी का जो वैकेंसीज है ये अब के बाद मैक्सिमम 3 से 4 साल बाद ही ये सीजीएल आएगा नेक्स्ट। तो जो भी हमारे दोस्त इस वीडियो को देख रहे हैं या फिर जिनका यह लास्ट एज इशूज है, जिनका यह लास्ट अटेम्प्ट हो पाएगा, तो उनके लिए यह बहुत बड़ी चांस है। आप अभी से लग जाए, पूरा मेहनत करें। आप ये ना सोचे कि आप यूआर है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, एससी एसटी है, नथिंग मैटर। अभी जो वक्त आपको इस बार ने दिया है, इसको भरपूर प्रयोग करें, पूरा सेट प्रैक्टिस करें। जो भी वक्त है आप ये मत सोचो, देखिए मैथ और रीजनिंग है ना, ये एक बहुत अच्छी पॉइंट है आपके लिए, और स्कोर बढ़ने का एक ये भी पॉइंट है, आपका भी स्कोर बढ़ेगा। अभी आप सेट प्रैक्टिस कर रहे होंगे, आपका सब कुछ 100 आ रहा है, सब कुछ 90 भी आ रहा है, डोंट वरी यार, सोचना नहीं है, बिकॉज अभी आपके पास 1 महीने का वक्त है। 1 महीना कम नहीं है बाबू, इसका इस्तेमाल तो कीजिए, ये काफी है। थोड़ा 1 महीना पागल 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 लोग क्या कह रहे हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या हम पे कर रहे हैं, उनकी इश्यूज है। 1 महीना तो दीजिए, 1 महीना दे दो, अपने आप से बातें करना सीख लोगे, निश्चित रूप से सफलता आपकी हाथों में होंगी, और एक पोस्ट आपकी होगी। 2248 पोस्ट है ना, इसमें से एक पोस्ट आपका है ना, सचिवालय सहायक का। अब नौकरी करेंगे तो पटना में रहेंगे, पटना कहाँ, सचिवालय में रहेंगे। चीफ मिनिस्टर जी आएंगे, आपसे फाइल बनवाएंगे, आपसे फाइल के बारे में। ये बहुत बड़ा ख्वाब है यार, अगर आप सोच रहे हो कि नहीं मेरे पास भी 4 व्हीलर हो। बीएमडब्ल्यू का कभी ख्वाब देखते हैं आप लोग? अरे यार देख लोगे आप, ये एट फर्स्ट ये तो जन्मभूमि की नगरी में आपको जॉब लगेगी, बिहार की धरती। जो भी बिहारवासी देख रहे हैं इस वीडियोस को, जो भी फॉलो करते हैं मुझे, तो उनको मैं बस इतना ही कहूंगी कि यार मेरे दोस्त, आप प्रिपरेशन करते वक्त, आप सेट प्रैक्टिस करते वक्त बस इतना ही ध्यान रखिएगा कि आपकी नौकरी कहाँ होगी, बिहार में होगी। बिहार में क्या, पटना में होगी। आपकी सैलरी कितनी, 22,000 प्लस होगा। अगर आप अभी सोच रहे ना कि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास 4 व्हीलर नहीं है, 4 व्हीलर की दूर की बात है, अभी 2 व्हीलर भी नहीं है, तो उन सारे दोस्तों को कहूंगी कि इस बात को ध्यान रखिएगा कि ये एक पोस्ट आपका है, एक पोस्ट आपका है, और एक पोस्ट के लिए आपके पास इस बार एक बहुत बड़ी चांस दिया है। इसमें किसका रिजल्ट होगा, जो बात बनाते हैं, जो डिप्लोमेसी करते हैं, जो पॉलिटिशियन है, नथिंग मैटर। आपको सिर्फ और सिर्फ आपको मेहनत, सेट प्रैक्टिस, जो भी आपकी वीक पॉइंट है, आपको मालूम होगा कि आपका मैथ अच्छा है, रीजनिंग अच्छा है, जीके जीएस अच्छा है, साइंस अच्छा है, करेंट अफेयर्स अच्छा है, और जितने भी आर्ट्स पोर्शन है, इसमें कहां आपका वीक पॉइंट है, उस वीक पॉइंट को पकड़िए, और जो चीज आपने पढ़ा है अभी तक उसको रिपीट करना है, उसको ही बार 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 देखना है। ये नहीं कि नई बुक आ गई, चलो उसको हम प्रो पढ़ लेते, ये बुक आ गई, हाँ अगर आपको लगता है कि नहीं इसको भी करना है, आपका जो पूरा कवर हो चुका है, ये बुराई नहीं है, लेकिन जो चीज आपने अभी तक पढ़ा है, जो चीज आपने आज तक बढ़िया से किया, उसको रिपीट करना है। क्योंकि कंफ्यूजन किसमें होता है, जो एकदम छोटे 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 क्वेश्चन में आप कंफ्यूज कर पाएंगे, और ये आंसर की ये आंसर तो ये वाली मैटर नहीं होनी चाहिए। रिविजन है ना, एक चरम सीमा पे है, अभी वक्त है, सिर्फ और सिर्फ अंतिम क्षण है, पूरा जो तैयारियां होनी चाहिए वो पीक पॉइंट पे होनी चाहिए, और पीक पॉइंट में सारे के सारे लोग हैं। सिलेक्टेड कितने बच्चे होंगे, ओनली 2248 मीन्स 2248 बच्चे है ना। आपको मालूम हुआ कि अभी 2213 पोस्ट जो एसआई का सीट था, तो लेने वाले तो लेंगे ना, जेन्युइन कैंडिडेट लेंगे ना, तो कोई नहीं रोक सकता है अपने आप को, आप नहीं कभी रोक पाइएगा, तो आपको कोई नहीं रोक सकता है, आपके सामने पे कोई नहीं आ सकता है, आपसे बड़ा कोई नहीं है, आप एक दिग्गज हो, आप में पावर है मैथ रीजनिंग साइंस जीके जीएस करने का,
लुसेंट पढ़ रहे, लुसेंट रिपीट करो ना, आरएस अग्रवाल पढ़ रहे, आरएस अग्रवाल को 5 बार 10 बार जितना बार मन कर रहे बनाओ ना, कोई चैप्टर को ये बन इश्यूज आ रहे क्वेश्चन सेल्फ प्रैक्टिस कीजिए, उसमें कोई पॉइंट कोई एक क्वेश्चन जिस चैप्टर्स के उस चैप्टर को बना डालो, उस रीजनिंग में कोई फंस रहे उस पूरे उस टाइप के क्वेश्चन को बना डालो, इतना बना डालो, इतना बना डालो, इतना बना डालो कि एबीसीडी में होते हैं ना ए वन, ए कितने स्थान पे आता है, एक स्थान पे, बी कितना, 2 नंबर पे, सी कितना, 3 नंबर पे, ये एबीसीडी नहीं, डायरेक्ट 4, 5, 14 पे क्या है यार, एन है, 17 पे क्या है यार, क्यू है, ये नहीं डायरेक्ट याद होना चाहिए, 26 लेटर होता है, 1 से 26 तक, 26 से इधर तक, कैसे कहां से पूछेगा यार, उखाड़ के रख दीजिए, कबाड़ के रख दीजिए, जीत आपकी सुनिश्चित होगी। चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार, जय हिंद।